हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने सलवार का मेजरमेंट लिया हुआ है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे सीट की मेजरमेंट की, हमारी फुल लेंथ सलवार की जितना हम चाहते हैं, और हमारा बॉटम, बॉटम यानी मोरी हम जितना लेना चाहते हैं। आप पुराने सलवार से भी मेजर कर सकते हो। और हमारा जो क्रॉच, हमारा जो क्रॉच की लेंथ होती है वो सबके लिए 10 इंचेस इनफ होगी। अगर आपका साइज स्मॉल है तो आप 9 इंचेस तक आपकी क्रॉच की लेंथ ले सकते हैं। हमारी जो बेल्ट है वो हमने 5 इंच रखी है, तो यहाँ पर। और हमारी जो बेल्ट की विड्थ है वो हमें लेनी है, हमारा जो सीट राउंड होता है प्लस उसमें 7 इंच हमें ऐड करना है, तो वो मिलाकर 45 हो गया। इस तरह से ये हमने सारे मेजरमेंट्स लिए हुए हैं। हमारी सीट है 38 इंचेस, हमारी फुल लेंथ है 40 इंचेस, बॉटम हमारा 12 इंचेस है, हमारी क्रॉच की लेंथ है 10 इंचेस, बेल्ट 5 इंचेस, और बेल्ट की विड्थ हमें लेनी है 45 इंचेस। तो ये सारे मेजरमेंट्स हम इसमें डालेंगे। सलवार के लिए ये हमने जो कपड़ा लिया है, ये आप अगर 2.5 मीटर लेंगे तो आपको सेमी पटियाला टाइप सलवार हो सकती है, या आप 2.25 मीटर में भी आपकी सलवार बन जाएगी, लेकिन उसका जो घेरा है वो थोड़ा कम आएगा। तो ये जो कपड़ा है ये हमने 2.5 मीटर ले लिया है। यहाँ पर मैंने जो कपड़ा फोल्ड किया है ये पूरा हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है। यहाँ पर ये पन्ने की साइड है, ये जो दिख रही है, यहाँ पर हमने इस तरह से फोल्ड किया है। मैं दिखाती हूँ, ये चारों, ये पन्ने की साइड जो चारों लेयर्स है वो इस तरह से मिला लिए। ये बराबर से मिलाकर लेना है, कम ज़्यादा ना हो। यहाँ पर जो फोल्डेड साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी है, यहाँ पर भी हमारी ये फोल्डेड साइड आती है, ये हम नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से। और जो ये खुला है वो हम ऊपर की तरफ लेंगे। अब हम इसके ऊपर मेजरमेंट डालेंगे। सबसे पहले हमें ये जो ऊपर की तरफ कपड़ा जो ऊपर नीचे हो गया है इसे हम स्ट्रेच कर देंगे। हमारा पूरा कपड़ा स्ट्रेच हो गया है। अब सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है, हमारी जो फुल लेंथ है वो 40 इंचेस है, और हमारी जो बेल्ट है, और हमारी जो बेल्ट है वो हमें 5 इंचेस रखनी है। तो हमारे फुल लेंथ में से हम अपनी बेल्ट की जो लेंथ है वो माइनस करेंगे, तो 40 में से हमने 5 इंच माइनस किया तो वो 35 इंचेस हो गया। 35 इंचेस प्लस उसमें हम 1 इंच सीम अलाउंस के लिए लेंगे, जो कि 1/2 इंच बॉटम की ओर और 1/2 इंच ऊपर की पट्टी की ओर हमें सीम अलाउंस रखना है। तो 1 इंच हमने सीम अलाउंस लिया तो हो गया 36 इंचेस। तो हमें यहाँ से 36 इंच तक हमारा मेजरमेंट डालना है। यहाँ से यहाँ 36 इंचेस पे हमने यहाँ पर मार्किंग करना है। हमारे जो ये पन्ना है, हमारे कपड़े का पन्ना जो होता है वो 42 इंचेस या 36 इंचेस होता है। ज़्यादातर आजकल 42 इंचेस पन्ने के कपड़े मार्केट में आते हैं। तो हमारा जो ये पन्ना है 42 इंचेस, उसका ये हाफ है 21 इंचेस के आसपास। तो जितना है उतना हमें लेना है घेरा में। हमारा जो सलवार का घेरा आएगा उसके हम दो पार्ट करेंगे, एक साइड में हमारी कली भी आएगी। तो ये जितना घेरा है ये हमें मेजर नहीं करना, जितना भी है
तो सबका नॉर्मली 42 इंचेस होता है, तो जितना है उतना हम मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ हमें पूरा घेरा लेना है, बस हमें यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट लिया है। अब हमें बॉटम की ओर, हमारा जितना बॉटम है, हमारा बॉटम 12 इंचेस है, तो हमें उसका हाफ 6 इंचेस पे यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। 6 इंचेस पे हमने यहाँ पर मार्किंग किया। वन इंच हम सीम अलाउंस का एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पर हमें 7 इंचेस पे आगे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सीम अलाउंस के लिए। यहाँ पर हमारी 7 इंच की लाइन रेडी हो गई। यहाँ पर हमारा बॉटम आएगा, तो देखिए पहले हमने हमारे फुल लेंथ में से हमारे बेल्ट का जो मेजरमेंट है वो माइनस किया। फुल लेंथ हमारी 40 थी, माइनस 5 इंच किया तो 35 हो गया, प्लस 1 इंच हमने सीम अलाउंस के लिए लिया, और यहाँ से यहाँ हमने 36 इंचेस पे मार्किंग किया। उसके बाद हमने हमारा जितना बॉटम था, हमारा बॉटम है 12 इंचेस पूरा, तो उसका हाफ 6 इंचेस प्लस उसमें 1 इंच सीम अलाउंस के लिए हमने ऐड किया, तो यहाँ पर हमारा 7 इंचेस हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो ये पूरा कपड़ा है, आपका 2.5 भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, या 2.25 मीटर भी हो सकता है, तो सबकी अलग अलग लेंथ जो है, यहाँ से पूरा कपड़े की लेंथ हमें मेजर करनी है, तो सबकी अलग अलग आएगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ से पूरा कपड़ा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें मेजर करनी है कितनी है, तो हम देखते हैं वो कितनी है। यहाँ से यहाँ हमारी 49 है। देखिए मैंने यहाँ पूरा कपड़ा मेजर किया है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 49 हो रहा है, 49 हो रहा है, तो 49 का हमें हाफ करना है, तो होता है 24.5। तो हमें यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ तक 24.5 इंचेस पे मेजर करना है, 24.5 यहाँ, प्लस हमें यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना है। देखिए मैंने ये पूरा कपड़े का लेंथ मेजर किया इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, उसका हाफ मैंने किया, 24.5 आ गया। यहाँ पर इस तरह से मैंने मार्किंग किया, और इसके ऊपर हमें 1.5 इंच लेना है, यानी कि 1.5 इंच ऊपर की तरफ यहाँ पर मार्किंग किया इस तरह से। तो हमने यहाँ पर बॉटम की लाइन खींची है, ये लाइन यहाँ तक हम ज्वाइंट करेंगे। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस तरह से ये लाइन हमने ज्वाइंट की। इस तरह से ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया। अब हम ये जो मार्किंग किया है पहले ये कट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, हमारी सलवार जो है उसे कली आएगी साइड में, यहाँ पर हमारी ये कली लगेगी, यानी कि जब ये फोल्ड खोलेंगे तो इसकी दो कलियाँ आएगी दोनों साइड, जैसा कि मैंने बताया था। तो पहले हम कट कर लेते हैं, उसके बाद ही हमारी ये समझ में आएगा। अब देखिए हमने यहाँ से बॉटम की ओर और यहाँ से यहाँ इस तरह से मार्किंग किया था, और ये हमने यहाँ से यहाँ कट लगाया था। इस तरह से हमने ये देखो कट कर लिया है। अब ये जो नीचे का हिस्से वाला कपड़ा है ये हमें उठाकर साइड में रखना है, क्योंकि हम इस कपड़े में से कलियाँ निकालने वाले हैं। तो हमने इसे इस तरह से उठाया और बिल्कुल इस तरह से साइड में रख दिया। ये देखिए मैंने किस
तरह से रखती है, इस तरह से हमें ये यहाँ पर रखना है इस तरह से। इस कपड़े की जो स्ट्रेच साइड है, ये स्ट्रेच साइड, इस स्ट्रेच साइड से इस तरह से मैच करनी है, और यहाँ से जो हमारी लाइन है बिल्कुल इस लाइन से ये लाइन मैच हो जाए, उस तरीके से हमें ये एडजस्ट करना है और रखना है। तो इस तरह से हमने ये रख दिया। यहाँ पर ये पार्ट, हमें इस पार्ट को ज्वाइंट करना है, इसलिए हम हाफ एन इंच यहाँ पर इसके ऊपर हाफ इंच लेंगे, क्योंकि जब भी हम ये ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर हमारा सीम अलाउंस आएगा हाफ इंच। तो हमने ये इसके ऊपर हाफ इंच चढ़ा दिया, इस कपड़े के ऊपर हाफ इंच इस तरह से ऊपर लेके रखना है। तो ये रहा, इस तरह से मैच करते हुए हमने ये सलवार इसके ऊपर रख दी है। अब हमें ये स्ट्रट कट कर लेंगे हम बाद में। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा वहां से उठाकर यहाँ रख दिया है। अब जो ये ऊपर की तरफ पट्टी है ये हमें कट करनी है, ये हमें यूज में आएगी हमारी बॉटम बनाने के लिए। तो हम यहाँ से यहाँ ये स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं इस तरह से। अब जो हमारी क्रॉच लेंथ है वो 10 इंचेस है, तो हम यहाँ से इस लाइन से नीचे 10 इंच कहाँ तक आता है देखेंगे और वहाँ पर मार्किंग करेंगे। क्रॉच लेंथ आप 9 इंचेस से 11 इंचेस तक रख सकते हो अपने साइज के हिसाब से। अगर आप 10 इंचेस भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर सबके लिए 10 इंचेस इनफ होगा। अगर साइज आपका ज़्यादा बड़ा है तो आप 11 इंचेस रख दो। तो यहाँ पर 10 इंचेस तक यहाँ पर हमें मार्किंग किया। अब यहाँ से यहाँ ये लाइन को मैच करते हुए हमें लाइन खींचनी है, तो मैं ये लाइन खींच देती हूँ। यहाँ से यहाँ स्ट्रेट कट लगाएंगे और यहाँ से यहाँ इस तरह से कट लगाएंगे। तो ये हमारी जो कलिया है ये 4 है, क्योंकि हमने ये 4 लेयर्स लिए थे, और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे 4 कलियां और दोनों पैर के लिए 2 पार्ट रेडी हो गए। अब ये मैं खोल कर दिखाती हूँ ये किस तरह से आएंगे। तो यहाँ पर देखो, अब ये मैं खोल के दिखाती हूँ ये किस तरह से दिखेगा और हमें किस तरह से ये वाली कलिया ज्वाइंट करनी है। तो यहाँ से देखो, हमारे 4 लेयर थे, उसमें से 2 लेयर मैंने इस तरह से पकड़े हैं और इस तरह से ये मैंने खोला है, इस तरह से ये खोला है, और ये टाइट की कली। इस तरह से दोनों लेग के हमारे ये जॉइंट होंगे, ये कली यहाँ इस और जॉइंट होगी और वो कली उस और जॉइंट होगी। ये रहा, इस तरह से ये पूरा हमारा दिखेगा। उस साइड में हमारी एक कली आएगी और इस साइड में हमारी एक कली। इस तरह से हमें दोनों लेग्स रेडी करने हैं। ये तो हम अब बेल्ट का कटिंग करेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो जो कपड़ा हमारा रह गया था उसमें हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, हमें बेल्ट की जो लेंथ है वो 5 इंचेस लेनी है, और उसकी जो विड्थ है बेल्ट की वो हमें हमारा जितना सीट का घेरा है, हमारा सीट जो है वो 38 इंचेस है, उसमें हमें 7 इंच मिलाना है तो 45 इंचेस हो गया। तो हमारी पूरे बेल्ट की जो विड्थ होगी वो 45 इंचेस होगी। तो ये हमारी 4 लेयर है कपड़े की, तो इसमें हमारे बेल्ट में जॉइंट आएंगे। ये 4 लेयर है, इसका मतलब 45 इंचेस का डिवाइडेड बाय हमें 4 करना है, तो वो आएगा लगभग 11.5
समथिंग, यानी कि 11.5 के आसपास हमें इसकी विड्थ लेनी है, क्योंकि ये हमारी फोर लेयर है, तो हमें ये 11.5 इस तरह से विड्थ इसकी नापनी है। और इसकी जो लेंथ है वो हमें तैयार 5 इंचेस रखनी है। इसका मतलब सीम अलाउंस और ऊपर नाड़े को मोड़ने के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1/2 इंच सीम अलाउंस लेंगे। इसका मतलब 5 + 2 इंचेस 7 इंचेस हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो ये बिल्कुल 7 इंचेस है और इसकी वेट जो है वो हमें 11.5 के आसपास लेनी है। तो ये बराबर से 11.5 हो गया है, लेकिन ये कपड़ा जो है ये थोड़ा कम ज़्यादा है, तो हम इसे स्ट्रैप कट कर लेंगे। और ये हम यहाँ पर फोल्ड है, तो ये हम फोल्ड कट कर देंगे। तो यहाँ ये हमारे पूरे बेल्ट की पट्टियाँ रेडी हो जाएगी। बेल्ट में हमारा जॉइंट आएगा, अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो शायद उसमें जॉइंट ही नहीं आएगा। हमारा यहाँ पर कपड़ा कम है, इसलिए हमारे बेल्ट में जॉइंट आ रहा है। इस तरह से हमें ये 7 इंचेस ले ली है, क्योंकि ऊपर की तरफ नाड़े के लिए हमें ये इस तरह से फोल्ड करना है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ सीम अलाउंस के लिए 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो ये पूरा 7 इंचेस हमने लिया है और इसकी विड्थ जो है, जैसे कि मैंने कहा, ये 11.5 ली हुई है। इस तरह से ये हमारा बेल्ट का कटिंग भी हो गया और ये हमारे सलवार का कटिंग भी हो गया। और जो बॉटम में हम लगाएंगे कपड़ा, उसके लिए हमारा ये कपड़ा तो ऑलरेडी है। इस प्रकार ये पूरा सलवार का हमारा कटिंग रेडी हो गया। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे जाके आपको इतने ही अच्छे ट्यूटोरियल मिलते रहे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसका स्टिचिंग कैसा करना है सलवार का,